नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल घरेलू ज्ञान में स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ लेके आए परवल आलू की सब्जी कैसे बनाए। बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार होगी। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप ना कीजिए, बीच में पूरा देखिए तो हम आप लोगों को बताएंगे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सामान ले लिया है, धनिया, हरी मिर्च, प्याज, आलू और परवल। तो हम इन सब्जियों को छील लेंगे और धुल लेंगे। तो हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल हमने डाल दिया है, तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद में हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। अब तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरा। जीरा के बाद प्याज मिर्ची जो हमने काट के रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें प्याज और मिर्च डाल दी है, जब तक ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें सब्जी। अब देखिए प्याज और मिर्ची ब्राउन हो चुके हैं, हम इसमें डाल देंगे हम हल्दी। हल्दी डाल दी हमने, हल्दी तेल में ही डालें हमेशा, तो हल्दी अच्छे से पक जाती है। उसके बाद में डाल दें हम इसमें सब्जी और अच्छे से इसको भून लें सब्जी को। अब हमने इसको अच्छे से चला लिया है। हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, हमने हरी मिर्च डाल दी इसलिए हम लाल मिर्च थोड़ी ही डालेंगे। और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। गरम मसाला, सूखी धनिया पिसी हुई, और हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे पानी। सब्जी में पानी हम उसे हिसाब से डालेंगे जिस हिसाब से सब्जी आपको खानी है। जैसे आपको रसीली ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा पानी डाल दें, और अगर थोड़ी सी कम रसीली खानी है, कम पानी वाली सब्जी, तो थोड़ा कम पानी डालें और आंच को थोड़ा स्लो रखें। हमने कम पानी डाला है इसमें, और हम उसको ढक देंगे। अब हम सब्जी को लगभग 10 मिनट तक इसी प्रकार से बंद रहने देंगे, उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे और सब्जी को चला देंगे। अब सब्जी को हमने छील लिया है, आलू हमने छील लिए, प्याज छील लिए और मिर्ची हमने साफ कर ली, और धनिया साफ कर ली, और परवल के जो आगे पीछे थे ये नोक जैसी वो हमने काट ली है। परवल को छीलना नहीं है तो हम इनको धुल लेंगे, और धुल के इनके पीस कर लेंगे। अब सब्जी के हमने पीस कर लिए हैं आलू और परवल के, अब हम धनिया बाद में काटेंगे जब सब्जी हमारी बन जाएगी। अब हम चलिए चलते हैं चूल्हे के पास। अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जी को खोल के देख लेंगे। अभी सब्जी सही से पकी नहीं है, थोड़ी देर के लिए और हम ढक्कन बंद कर देंगे। अब देखिए सब्जी बन चुकी है, और सब्जी को हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। अब हमने सब्जी पलट ली है, सब्जी में डाल देंगे थोड़ी सी धनिया और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप लोगों को मेरी सब्जी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।